हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएमजी दिशा की पेमेंट से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर सामने आया है, जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट है, जिसका जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में आपको इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे करूँगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, पीएमजी दिशा ने अपने अक्टूबर मंथ से लेकर अभी तक की पेमेंट रिलीज नहीं की है, जिसे लेकर कोई बीएलई भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी पेमेंट्स को लेकर कि हमारी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। और इसी बीच पीएमजी दिशा ने एक और अपडेट डाल दिया था, अपने पीएमजी दिशा में नए स्टोन्स अब ऐड नहीं कर पा रहे थे, जिससे रिलेटेड मैंने सुबह वीडियो डाल दी थी, जिसमें मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी थी कि अब आप पीएमजी दिशा की आईडी में नए स्टोन्स को ऐड नहीं कर पा रहे हो। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि पीएमजी दिशा की टीम सेंटर बाई सेंटर चेकिंग कर रही है, जिसके बाद सभी सेंटर चेकिंग हो जाएंगे, उसके बाद नए स्टूडेंट्स ऐड होना शुरू होंगे। पर इसी बीच एक और अपडेट निकल कर आया है पेमेंट से रिलेटेड। अगर आपने अपनी पीएमजी दिशा की आईडी में पंचायत अप्रूव फॉर्म अपलोड नहीं किए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपनी आईडी में पंचायत अप्रूव फॉर्म अपलोड कर दें, क्योंकि अब पीएमजी दिशा की टीम सिर्फ पंचायत अप्रूव फॉर्म ही चेक कर रही है। अगर आपने पंचायत अप्रूव फॉर्म अपलोड किए हुए हैं तो आपकी पीएमजी दिशा की आईडी वेरीफाई कर दी जाएगी और आपकी पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाएगी। आपने क्या करना है, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है इस प्रफॉर्मे में, और इस प्रफॉर्मे को पंचायत से साइन करवा कर यानी कि अप्रूव करवा लेना है, उसको अपलोड कर देना है। और ये स्कैन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि पीएनजी दिशा की टीम को समझा जाए और वो इसको वेरीफाई कर दे। वेरीफाई करने के बाद आपका सेंटर वेरीफाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाएगी और आपकी पेमेंट इस मंथ के आखिर तक आ जाएगी। और ये भी अपडेट निकल कर आया है कि इस मंथ के आखिर में अक्टूबर मंथ से लेकर दिसंबर मंथ की पेमेंट आ जाएगी, इस यानी कि जनवरी मंथ के आखिर तक अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक की पेमेंट डाल दी जाएगी एक साथ। तो आप जल्द से जल्द पीएमजी दिशा में जितने भी स्टूडेंट आपने ऐड कर रखे हैं, उनका आप एग्जाम दिलवाएं और उनकी ट्रेनिंग पूरी करवाएं, उसके बाद आप उनका एग्जाम ले लें और जल्द से जल्द आप उनका भी कमीशन ले लेंगे। तो आप पहले तो आप ये पंचायत अप्रूव फॉर्म अपलोड कर दें, क्योंकि पीएनजी दिशा की टीम आप सिर्फ पंचायत अप्रूव फॉर्म ही चेक कर रही है कि आपने पीएनजी दिशा की आईडी में अप्रूव फॉर्म अपलोड किया है तो या नहीं किया। तो आप जल्द से जल्द पहले अपलोड कर दें इन फॉर्म को और आपकी पीएनजी दिशा वाली टीम आपकी आईडी को वेरीफाई कर दे और आपकी पेमेंट को भी जल्द से जल्द रिलीज कर दे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलई भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ, क्योंकि कई बीएलई भाइयों को इसके बारे में अभी भी नहीं पता होगा। तो आप जल्द से जल्द उनको पहुँचाएँ और वो भी अपनी आईडी में जल्द से जल्द पंचायत अप्रूव फॉर्म को अपलोड कर दें और वो भी अपनी पेमेंट को जल्द से जल्द पा सकें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।